अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे खेवड़ा की तारीख के बारे में, खेवड़ा में मौजूद नमक के कान के बारे में कि नमक की यह कान कैसे दरियाफ्त हुई और खेवड़ा की तारीख क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानब। खेवड़ा नमक की कान ज़िला जहलम पंजाब में वाक़ है। यह जगह इस्लामाबाद से 160 जबकि लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर फासले पर है। यहाँ सैर व सियाहत के शौकीन हजरात के लिए देखने को बहुत कुछ है। सियाहों के लिए अच्छे इंतजाम मौजूद हैं। सालाना कई लोग यहाँ की सैर बड़े शौक से करते हैं, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल होते हैं। खेवड़ा में मौजूद नमक की अकान जनूबी एशिया में कदीम तरीन है और दुनिया में दूसरा बड़ा खुर्दनी नमक का जखीरा है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम 322 कबल अज़ मसीह में इस इलाके में आया तो उसके घोड़े यहाँ के पत्थर चाटते हुए देखे गए। एक फौजी ने पत्थर को चाट कर देखा तो उसे नमकीन पाया, जो इस इलाके में नमक की कान दरियाफ्त हुई। उसके बाद यह कान यहाँ के मुकामी राजा ने खरीद ली और कयाम पाकिस्तान तक यह कान मुकामी जंजुई राजाओं की मलकियत रही। इसकी मौजूदा और मुख्तसर तारीख यह है कि अंग्रेजों के दौर से पहले एक बियाबान पहाड़ी इलाका हुआ करता था, जहां आबादी नहायत ही कम थी, लेकिन मदनी जखायर की वजह से अंग्रेजों की तवज्जो का मरकज बन गई। खेवड़ा नमक की कान में लोग इर्द गिर्द के कस्बों से पैदल चलकर काम करने आते थे, जो काफी मुश्किल हुआ करता था। चुनांचे इस मुश्किल के हल के लिए 1876 में अंग्रेजों ने सियासी और इंतजामी बुनियादों और मसलहतों की बिना पर नमक की कानों पर काम करने वाले खानदानों को खेवड़ा में आबाद कर दिया। उससे पहले ये लोग इर्द गिर्द के करीबी इलाकों और मकामी पहाड़ों पर कयाम पजीर थे। उससे पहले इस इलाके में अंग्रेज और हिंदू ज्यादातर आबाद थे, मगर 1876 से बाकायदा मुसलमानों को भी रिहाइश के हकूक दिए गए। उस वक्त के अंग्रेज हुक्मरानों की ज्यादातर कोशिश यही थी कि तमाम मुसलमान कानकुनी के फन में मशगूल रहें और तरक्की ना कर सके। चुनांचे 14 मार्च 1876 को बाकायदा खेवड़ा शहर की बुनियाद रखी गई। इस शहर की तारीख सिकंदर यूनानी तक बताई जाती है। इस इलाके में नमक की दरियाफ्त घोड़ों की मदद से हुई थी। सिकंदर आजम जब दुनिया फतह करने निकला तो इस इलाके में यहाँ के बादशाह राजा पोरस से उसकी जंग हुई। सिकंदर आजम की फौज ने 322 कबल अज़ मसीह में खेवड़ा के पहाड़ों के करीब पड़ाव डाला और थके मांदे घोड़ों को भी वहीं बांध दिया, मगर थोड़ी ही देर में घोड़े पत्थर चाटने लगे। सिपाही ये देखकर हैरान हुए और सारा माजरा सिकंदर आजम को बयान कर दिया तो मालूम हुआ कि वो पत्थर नमक का पत्थर था, जिसे चाटने के बाद घोड़े ताज़ा दम हो गए। मगर उस वक्त नमक निकालने का कोई बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद ना था। इस तरह नमक की दरियाफ्त उस छोटे से इलाके खेवड़ा में 322 कबल अज़ मसीह में हुई थी। माहिरीन इस बात पर यकीन रखते हैं कि खेवड़ा एक मादन यानी एक मिनरल है, उस वजह से इस इलाके को खेवा यानी नमक का गढ़ कहा जाता था, जो बाद में बिगड़कर खेवा के नाम से मशहूर होने लगा। मोहतरम दोस्तों, अब आप लोगों को नमक के बारे में चंद अजीब गरीब बातों के बारे में बताते हैं। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब नमक यानी साल्ट करेंसी की हैसियत रखता था और लोग नमक की डलियां देकर खाने पीने की इशा खरीदते थे। उस दौर में नमक की इस कदर अहमियत थी कि चीन के बादशाह हिसायू ने 2200 कबल अज़ मसीह में नमक पर बाकायदा टैक्स आयद कर दिया था। यूनान के ताजर नमक के अवज गुलामों की तिजारत करते थे। रोम का अजीम शहनशाह जूलियस सीजर अपने फौजियों को नमक की शक्ल में तनख्वाह दिया करता था, जबकि हिंदुस्तान में नमक के बदले हाथी बेचे और खरीदे जाते थे। हम लोग इंग्लिश में तनख्वाह को सैलरी कहते हैं। इस लफ्ज सैलरी का नमक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। लातिनी जुबान में नमक को सेल कहा जाता है। जमाना कबल अज़ मसीह में गुलामों और मुलाजमों को काम के बदले नमक दिया जाता था। यह नमक उस दौर में सलारी कहलाता था और यह लफ्ज़ आगे चलकर सैलरी बन गया। आज आपको महीना भर की मेहनत के बाद जो तनख्वाह मिलती है, आप उसे तनख्वाह वाली सैलरी ना समझा करें, बल्कि आप उसे
नमक वाली सिलरी जाना करें। तो मेरे मोहतरम अजीजों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।